हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ बिगनर क्लासेज में। तो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम थ्योरी क्लास ले चुके हैं रैशनल नंबर का, परिमेय संख्या का। उसको जाइए, सबसे पहले उसको देखिए, तब जाकर एक्सरसाइज देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो उसके पहले आपको देखना कंपलसरी है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले वो जाइए वीडियो देखिए, तब आकर इसको देखिएगा, ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। सो गाइस, चलिए बिना टाइम को स्पेंड किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आइए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात किया। जैसे हम आपको कल बताए थे ना प्रॉपर्टी ऑफ क्या, रैशनल नंबर का, उसमें साचर्य नियम, कर्मण्य नियम, वितरण नियम, ये सारा चीज बताए थे। वही बता रहा है कौन सा इसमें वो लगेगा रूल, वही बता रहा है। बस बता वो लगाकर आप कीजिए, बस सिंपल सा गुणा कर देना है। अब देखिएगा, इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा बताएंगे अभी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपको, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए, 2 - 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। सबसे पहले प्लस 5/2 को किनारे रखिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है, इसको वहीं पहले किनारे रखिए। इसको लिखिए -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस 5/2, जिसे हम क्या लगाए हैं यहाँ पे, साचर्य नियम लगाए हैं। क्या है साचर्य नियम, क्या करता है, इसको यहाँ से यहाँ बदल दिए, इसलिए इधर कर दिए साचर्य नियम के अनुसार, ठीक है, तो इसको इधर रख दिए। अब देखिए इन दोनों में देखिएगा, ठीक है, इन दोनों में देखिए, एक ये है, ये एक अलग है और ये एक अलग है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो सबसे पहले हम लोग 3/5 को कॉमन कर लेते हैं। इसे कॉमन कर लिए तो 3/5 अगर यह कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा, माइनस के 2/3 बच गया, और यहां बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और यहां देखिए 3/5 कॉमन कर लिए है ना, तो क्या बच गया यहां पर 1/6, ठीक है, आप प्लस के 5/2, ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस कोष्ट को तो हल कर ही लेंगे, इसको पहले लिख लीजिए 3/5 कोष्ट को हल कर लीजिए, इसका एलसीएम लेकर 6 हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम लेकर 6 होगा, 3 × 2 = 6 दो मत में कटेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 में 6 से डिवाइड करते 1 मत कट जाएगा, 1 का गुणा करते 1 ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, आप प्लस के 5/2। आगे देखिएगा, अब देखिए अब क्या बचा है, अब देखिएगा 3/5 अभी माइनस माइनस मिलकर जुड़ जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के 5/6 और बीच में इनका गुणा है ना, ये तो गुणा है, गुणा है, अब यहां क्या है प्लस 5/2, प्लस के 5/2। अब देखिएगा ये 5 से 5 कट जाएगा और 3 × 2 = 6, यहां क्या बच गया, यहां देखिएगा बच गया माइनस के 1/2 और प्लस 5/2, हो गया ना, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा, अब देखिए अगर हर समान हो तो अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर जोड़ तो जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक है, तो यहां इसको हल कर दीजिए तो -1 और प्लस 5/2, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बताएगा 4/2 और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा कितने मतलब कटेगा 2 मर्द में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सो गाइस, इसका आंसर कितना आएगा 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किए, ऐसे ही इसका सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। गाइस, आइए अब फर्स्ट को नंबर के क्वेश्चन में हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व करना है, मतलब कौन सा गुणा प्रयोग किया जा रहा है, साचर नियम, वितरण नियम, यही देखना है, ठीक है। देखिए तो इसको हमको देखिए ऐसा गुणा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं गुणा, लेकिन हमको यहाँ पे साचर्य नियम लगा देना है, वितरण नियम कोई भी लगा कर इसमें उसको एकदम आसान भाषा में समझे। वितरण नियम क्या होता है, कॉमन करते हैं तो वो नियम लगा देना है, ठीक है। तब कॉमन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 2/5 यहाँ भी है तो यहाँ इसको इधर ला देंगे,
बस इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसको लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, माइनस के 7 है। अब इसको ला दी, दोनों को इधर ला दीजिए, तो ये आगे प्लस है, तो प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसके देखिए माइनस है, माइनस 1/6 है मल्टीप्लाई 3/2, इसको अलग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन मिल गया, 2/5 कॉमन इसमें भी है, 2/5 कॉमन इसमें भी है, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/5। तो आप 2/5 ऐसे नॉर्मली कॉमन कर लीजिए, 2/5 कॉमन हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3/7 बचेगा ना, माइनस ऊपर चला जाता है, प्लस माइनस डिवाइड करते हैं तो माइनस होता है, ठीक। अब यहाँ प्लस, अब देखिए यहाँ 2/5 कॉमन लेते 1/14, ये हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए ये क्या है, यहाँ कट जाएगा ना, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा ना, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसको 2/5 ऐसे रखिए, 2/5 कोष्ट में इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 14। 7 के टेबल से 14 भाग देंगे, 2 मत में कटेगा ना, 7 × 2 = 14, और 2 × 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6, माइनस के 6, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। अब देखिएगा 14 में 14 से भाग देंगे तो 1 मत में कटेगा, 1 में 1 के गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब माइनस के 1/4, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए 2/5 कोष्ट में, अब देखिए माइनस और प्लस, जब माइनस प्लस आता है तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह क्या लगाते हैं, जो अंक बड़ा हो, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और चिन्ह क्या लगाएंगे, जो अंक बड़ा है, 6 बड़ा है ना, उसके आगे माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5/14 माइनस के 1/4, इतना आ गया समझ में। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है ना, इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह है, गुणा का, कुछ नहीं चिन्ह होता है तो गुणा करता है, तो गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10, और 14 × 5 कितना होगा, ये 5 × 20 के 0 हासिल, 2 × 5 = 5 = 70, अब माइनस हो जाएगा, अब माइनस के यहाँ के लिए 1/4। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो माइनस के यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है, माइनस 0 × 10/17, यहाँ क्या है, माइनस के 1/14। तो पहले तो ये 0 0 यहीं काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा ना, यहीं कट जा रहा है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/7 और माइनस के 1/4, यहाँ तक आया समझ में। अब इसका एलसीएम लीजिए, 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 28, 7 × 2 = 28, 4 मत में कटेगा ना, 4 को 1 गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और माइनस हो गया तो माइनस है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, आइए कितने मत में जाएगा, 4 × 7 = 28, 7 मत में गए, 7 को 1 गुणा करेंगे तो 7 ही होगा। अब देखिएगा माइनस माइनस में आता है तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस बटे 28, ये हो गया आंसर, यानी कि माइनस 11/28। तो इसमें किस किस नियम का प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ कॉमन लिया है ना तो वितरण नियम का प्रयोग किया गया है, यहाँ कॉमन लिया है ना तो वितरण नियम का प्रयोग किया गया, और यहाँ क्रम बदले हैं तो साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया, बहुत आसान, यही पूछ रहे क्रम नियम विधि लगा कर इसको सॉल्व कीजिए। सो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको कल बताए थे ना, अगर कोई एक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्यों, इसके आगे प्लस है, प्लस को माइनस हो जाएगा, अगर माइनस एक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ये बताया था ना, बस चिन्ह बदल जाता है एडिटिव इनवर्स में, तो बस सेम ऐसे ही। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके आगे क्या छिपा है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8 एडिटिव इनवर्स कन्वर्ट हो गया, बस इतना इजी है, देख रहे हैं कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। इसी तरह यहाँ देखिए -5/8 है तो माइनस बदल के किस में हो जाएगा, प्लस के 5/8 हो जाएगा, बस हो गया। -6/5 है तो माइनस बदल किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 6/5,
अब इसको देखिए 2/9 है, तो इसके अगर प्लस छिपा है ना, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस के 2/9 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसके आगे माइनस है ना, देखिए यहां आप सोच रहे होंगे नीचे माइनस लगाया तो डरिएगा मत, नीचे लगाए चाहे ऊपर लगाए माइनस हमेशा ऊपर ही होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में जब प्लस से डिवाइड करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, तो इसे डरिएगा मत, यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 90/6। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो आप चुटकियों में ऐसे कर देते इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले ही आपको बता चुके थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है यदि x बराबर 11/5 और एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन x बराबर -30/13 के लिए सत्यापित कीजिए, क्या माइनस क्वेश्चन माइनस x इक्वल टू x है, x का वैल्यू से पुट करना है, देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्या मान बराबर आ रहा है, वही पुट करना है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन कर दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप इसका मान पुट करिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो आप सीधे केवल x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो माइनस ऐसे लगा दीजिए, माइनस है तो क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस ऐसे लगा दीजिए, x का वैल्यू क्या है 11/5 क्वेश्चन में इक्वल टू, यहां x का वैल्यू क्या रहेंगे 11/5, ठीक है। अब माइनस में जब माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा 11/5 इक्वल टू 11/5, यानी के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, यानी कि सत्यापित करता है। ऐसे ही आपको ये वाला मान इसमें पुट करके चेक करना है, क्या मान बराबर हो रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपका HW होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, इसका इंग्लिश क्या होता है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, ये ज्ञात करना है, मतलब अगर बताए थे ना अगर संख्या x है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, और या कोई अंक भी ले सकते हैं, अगर 2/5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था, बोलते थे ना अंश हर हो जाएगा हर, और हर क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5/2, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, आपको बताए थे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालना, सेम इसका भी ऐसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका बताइएगा ये क्या है माइनस के 30 कि इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, नीचे इसके 1 छिपा रहता है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/30, अब माइनस है माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब आइए नीचे वाला सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिएगा ये देखिए अब जो ये हर है ना ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बस यही उल्टा करने के लिए बताए थे आपको, रूल कल का देखिए, कल का रूल देखना कंपलसरी, तभी आज हो पाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा बस अब हर को ऊपर कर दीजिए अंश को नीचे कर दीजिए, तो 5/1 हो जाएगा ये, इसको कर दीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करके कीजिएगा, इसको सॉल्व करके ही कीजिएगा, ठीक है। देखिए बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो गुणा कर दीजिए, आप पहले बताइए माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसमें तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो आप 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 15, अब भाई 8 गुणा करेंगे तो 16, ये हो गया ना। अब इसको इनवर्स में चेंज कीजिए, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नीचे वाला रूल पे देखिए, इसको भी पहले देखिए, पहले मल्टीप्लाई है ना तो पहले गुणा कर लीजिए, माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे चीन खत्म हो जाएगा, 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे 5 तो 5 उतार दीजिए। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए अब ये है माइनस के 1, तो माइनस के 1 का क्या होगा, इसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है तो 1 ऊपर जाएगा, फिर भी 1 देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -1/1 हो जाएगा। सो गाइस आशा करते हैं आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, कल का अगर थ्योरी आपने नहीं देखा होगा तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में किस गुणधर्म का प्रयोग करके ये गुणा किया गया है, किस मतलब साहचर्य नियम लगा है, क्रमबन्मेय नियम लगा है, तस्मक नियम लगा है, कि गुणात्मक प्रतिलोम लगा, क्या लगा वो बताना है। तो पहला देखिएगा, पहला तस्मक नियम, इसमें लगा है तस्मक नियम, क्योंकि गुणा सेम हो लेकिन डिजिट अंक को बदल दिया जाए, अंक को इधर के उधर, मतलब 4/5 एंड मल्टीप्लाई 1 बस गुणा सेम गुणा किया जाए लेकिन अंक को बदल दिया जाए, तो ये क्या होता है तस्मक नियम, ये क्या है तस्मक नियम, ये क्या है तस्मक नियम, ठीक है। और ये क्या है इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है देखिएगा ध्यान से,
ये देखिएगा क्रम बदल दिया गया, 30/17 मल्टीप्लाई माइनस 2/7। अब देखिए 2/7 यानी यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर गुणा किया गया तो इसको क्रम बदल दिया, यानी अंक का क्रम बस बदल दिया गया है। तो जब क्रम बदल गुणा किया तो उसे क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम इसमें लगा है। इसमें क्या लगा है देखिए, -90/29 है, इसको क्या किया गया उल्टा कर दिया, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उल्टा, अंश को हर और हर को अंश बना दिया गया। तो ये क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इनवर्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, बस बताना था इसमें कौन सा नियम का प्रयोग किया गया, तस्मक है कि गुणात्मक प्रतिलोम है, ये सब बताया गया। गुणा इतना समझ रहे हैं ना, बस गुणा सेम डिजिट का हो, अंक मतलब फर्स्ट वालों को सेकंड कर दे, सेकंड वालों को फर्स्ट गुणा कर दे, बस वो तस्मक नियम होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट रूल पे देखते हैं, नेक्स्ट मतलब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6/13 को -7/16 से व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब 6/13 को गुणा करना किसके, -7/16 के व्युत्क्रम का। पहले इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, किसका, -7/16 का। इसका व्युत्क्रम क्या निकालेंगे, बताया था ना, जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/ क्या हो जाएगा, 7, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तब इसका व्युत्क्रम हो गया ना, बोला है 16/13 को -7/16 के व्युत्क्रम गुणा कीजिए, क्योंकि व्युत्क्रम हो गया, और ये हो गया 6/13 गुणा करना है तो मल्टीप्लाई अब -16/7। अब इसको गुणा कर दीजिए 16 में, अगर 6 गुणा करेंगे तो 16×96 ये हो जाएगा। अब बट्टा माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 13×7 क्या हो जाएगा, 91। तो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसमें बताना है किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, ये दर्शा रहा है, इसमें बताइए इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है, इसको मान लीजिए 1/3 को ए, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिए। इसको क्या मान लीजिए बी, इसको क्या मान लीजिए सी, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए ऐसे। अब जो जो माने वही मान यहाँ भी पुट कर दिए, देखा जाए क्या आता है। 1/3 को क्या माने थे, ए, मल्टीप्लाई बी को क्या माने थे, 6 को क्या माने, बी, ये बी हो गया कोस्ट में, फिर मल्टीप्लाई 4/3 को क्या मानते, सी। तो बताइए इस किस नियम का प्रयोग हो रहा है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, अगर बताए थे आपको, ये बताए थे ना, इसको बताइए इस किस नियम का इसमें प्रयोग किया गया है, आपको बताया गया था। ये कौन सा नियम है, एक मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो यहाँ देखिए ए बाहर है तो यहाँ अंदर कर दिया गया, सी को यहाँ बाहर कर दिया। तो ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम, कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। आपको याद कीजिए, कल ये रूल बता दिए हैं। चलिए तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो बताना है। तो पहले हम आपको बताए थे, अगर कोई संख्या a है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a, आपको बताए थे, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। तो इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a। अगर इसका हम गुणा कर दे एक दूसरे का, a मल्टीप्लाई 1/a, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए उन दोनों का गुणा गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर इन दोनों का गुणनफल अगर 1 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, ये क्या होगा, 8 × 8 8 एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8, और आगे क्या है, माइनस, माइनस लगा दिए, और इसका गुणा करेंगे क्या, गुणे, इसका क्या हो जाएगा, 8/9। ठीक है, अब इसका करके देखते हैं क्या इसका काटने पे अगर 1 आ जाएगा, समझना ये भी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो काट के देखिए, ये कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आना चाहिए था, अगर 1 आता तब गुणात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन यहाँ -1 आ गया, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं है, इसका रीजन है। आपको समझ में आ गया कैसे किया है ना, कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, तो अगर कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए उसका मान 1 आ रहा है,
तब समझिए गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर नहीं आ रहा है तो एक दूसरे का प्रतिलोम नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स नहीं है। तो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0 सही 0.3 है क्यों, अथवा है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कुल मिलाकर कहानी होती है तो बताएं ना, अभी गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होने के लिए क्या शर्त होता है, अगर कोई भी संख्या a है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a, तो इन दोनों का गुणनफल तो a मल्टीप्लाई इंटू 1/a, दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो तभी क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ये बताया शर्त आपको। तो इसमें भी देखिए, इसको भी करके देखिए, इसको क्या करेंगे, 3 * 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 10/3 हो जाएगा, गुणा करेंगे किसका 0.3 का, ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई, एक अंक के बाद दशमलव तो एक नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है, इन दोनों का गुणनफल क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, इसलिए क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखने को ऐसा मोबाइल से क्वेश्चन इसमें डाउनलोड किए हैं, इसी से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, तो ऐसी कौन संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, वो बस वो शून्य ही हो सकता है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो व्युत्क्रम करने पर वही सेम आए, तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और चिन्ह क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन देखिए व्युत्क्रम के समान है यानी मान तो सेम आ रहा है, बस चिन्ह बदल जा रहा है, तो ये क्या होगा, 1 और -1 हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, बताइए ऐसी कोई परिमेय संख्या ही नहीं है जो ऋणात्मक के समान है, तो शून्य होगा। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला क्वेश्चन बन रहा है शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है, नहीं शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, अभी बताएं ऊपर देखिए। तो इसमें दूसरा क्या कह रहा है, संख्या डाट तथा संख्या स्वयं के व्युत्क्रम है, तो वह बस है 1 और कौन है -1, तो क्या होगा, संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, अभी ऊपर बताया है सेम क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, -5 का व्युत्क्रम है, बताइए -5 का व्युत्क्रम क्या निकालेंगे, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए आसानी से, ये हो जाएगा -1/5, क्यों बताए थे ना किस संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, सिंपल सी बात है x हो जाएगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, सिंपल से बताए थे ना आपको, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा होता है, मतलब 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2/3 ये एक परिमेय संख्या हो जाए, 2 परिमेय संख्या गुणनफल, और 2 परिमेय संख्या और कोई भी लिख लीजिए, 3/2 लिख दीजिए, 2 परिमेय संख्या गुणनफल कीजिए, 3 * 2 = 6 और 3 * 2 = कितना हो गया 6, या कुछ भी ले रहे 6 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि 2 परिमेय संख्या हमेशा होते हैं, गुणा कर रहे हैं तो क्या आया, धनात्मक संख्या आया ना, 2 परिमेय संख्या गुणा किया है तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं ना, 2 परिमेय संख्या गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ये भी लिख लीजिए, 2 परिमेय संख्या को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, मतलब कोई धनात्मक परिमेय संख्या जैसे 2/, जैसे मान लीजिए ये 2/5 है, ठीक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है ना, तो इसका व्युत्क्रम पूछ रहा क्या होगा, तो हमेशा इसका परिमेय संख्या व्युत्क्रम क्या करेंगे, तो 5/2 हो जाएगा, यानी धनात्मक है तो धनात्मक ही आएगा, कहने मतलब ये है, तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही आता है। अगर आपको जितना क्वेश्चन आज बताए हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम उसको बताएंगे। ठीक है गाइस,
तो आज हम लगभग 9 क्वेश्चन पूरा के पूरा सॉल्व कराए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा सॉल्व करा दिए हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है गाइस। और जो क्वेश्चन दिए उसको आप करके कमेंट बॉक्स में बताइए, जो होमवर्क दिए एचडब्ल्यू, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।